नाम क्या तुम्हारा? फसल फसल पक्ष। पक्ष। क्या बताया था, कहाँ से हो तुम? बताया तो था ना, यूके उमरकोट, बरेसगीर का बड़ा बादशाह अकबर बादशाह वहां पैदा हुआ था। यूके पायलट हो? नहीं। ड्रेस से तो लगता है पायलट हो, तो मैं भी पायलट हूँ ठेले का। कल अच्छा काम करोगे मेरे लिए? सब्जी का धूप चाहिए तुम्हारा। भले कैसा लग रहा हूँ? अब अच्छे लग रहे हो। कितना प्यार हो गया भाई ने तुझे गरीब बनाने की फुल प्लानिंग कर ली है। थैंक यू सो मच यार। हैप्पी? अल्लाह तेरी गरीब होने की सारी उम्मीदें पूरी करे। अच्छा सुन, इसमें तमाम चीजें जाली हैं सिवाय तेरी मोहब्बत के, और एक एडवांटेज भी है। तू शक्ल से गरीब लगता है तो तुझे एक्टिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हंसना तो मैं किस एंगल से क्लर्क लगता हूँ तुझे? तो क्या करता, डॉक्टर बनाता, एफए पास तो रखता मुझे। अरे भाई गरीब ऐसे ही होते हैं यार, क्या हो गया? मेरी मोहब्बत की कहानी में तो अपना हिस्सा डाल रहा है, ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, माय सेल्फ फजल बख्श, सनाफ खुदा बख्श। क्या लगता तुम्हें? क्या मतलब सर, कौन कौन हूं मैं? पर्ची जो बगैर किसी मेरिट के सिफारिश पे आया। आप जिसको सिफारिश समझते हैं सर, मैं उसे वसीला मानता हूँ। कहानी है मेरे पास सच्ची, सुन सुन कर रहा था। ए अल्लाह एक नौकरी दिला दे हलाल किस्म की। कि साईं इतने में एक माँ की दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई थी सर, उसका बच्चा समंदर में डूब रहा था, वो माँ मुझे आवाज दे रही थी और सर मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। चीखने की आवाज सुनाई थी, फिर क्या हुआ फजल बख्श? फिर क्या सर, ना आओ देखा ना ताओ सर कूद गया। यकीन करें उस बच्चे को मैंने खुद समंदर से निकाल के जब उस माँ के हवाले किया। रहमा अहमद साहब वो औरत उनकी बहन निकली, उसने मुझसे पूछा बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। मैंने कहा बस एक अच्छी सी हलाल सी नौकरी दिला दो। उसने